अनेक प्रकार की आत्माओं का संसर्ग होता है, संपर्क होता है। मेनी काइंड ऑफ सोल्स कम इन कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन विद बाबा। बाबा से कोई आत्माओं की दूरी बढ़ती है, कोई की घटती है। सम सोल्स गो फार्दर अवे फ्रॉम बाबा व्हाइल सम कम क्लोजर। बहुत सारी ऐसी बातें पैदा होती है। मेनी सिचुएशंस आर क्रिएटेड जिससे वृत्ति वृत्ति कृति और वाचा चारों में अनेक प्रकार के फेरबदल होते रहते हैं। विच कीप ब्रिंगिंग मेनी काइंड ऑफ चेंजेस इन ऑल द फोर थिंग्स विजन वाइब्रेशंस एक्ट एंड स्पीच। शुरुआत में जब कोई आत्मा ज्ञान में आती है। इन द बिगिनिंग व्हेन अ सोल कम्स इन दिस नॉलेज ईश्वरीय नॉलेज की गहनता को समझती है। अंडरस्टैंड्स द डेप्थ ऑफ द डिवाइन मीनिंग ईश्वरीय नॉलेज उस सात्विक स्टेज में होने के कारण हलचल ना के बराबर होती। बिकॉज ऑफ बीइंग इन द सात्विक स्टेज इट हार्डली वेवर्स। सात्विक मीन्स एंडोर्ड विद द क्वालिटी ऑफ सत्व ट्रू जेन्युइन प्योर ऑनेस्ट। और बाद में आपस में अनेक आत्माओं के विचार सुनते 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 एंड लेटर ऑन इट वेवर्स आफ्टर कंटिन्यूअसली लिसनिंग टू ईच अदर्स ओपिनियंस द ओपिनियंस ऑफ मेनी सोल्स। क्योंकि कान से जो कुछ सुना जाता है, आंख से जो कुछ देखा जाता है, उसका असर जरूर पड़ता है। बिकॉज वट एवर इज हर्ड थ्रू द ईयर्स वट एवर इज सीन थ्रू द आईज डेफिनेटली हैज एन इन्फ्लुएंस। एक दूसरे के विचारों को सुना जाता है, विचारों का लेनदेन किया जाता है। इफ यू लिसन टू ईच अदर्स ओपिनियंस इफ यू शेयर ओपिनियंस तो बाबा की बातें धीरे धीरे भूल जाती हैं। यू फॉरगेट द वर्ड्स ऑफ बाबा ग्रेजुअली और आपस में एक दूसरे की बातों का दृष्टि का वृत्ति का वाचा का शक्ति का संक्रमण होने लगता है। एंड देर इज अ मिक्सचर ऑफ ईच अदर्स वर्ड्स विजन वाइब्रेशंस स्पीच एंड एक्शंस। जो समर्पित वर्ग है उसमें भी वही होता है। दिस मिक्सिंग हैपन्स अमंग दोज हु बिलोंग टू द सरेंडर्ड क्लास और जो अपने को समर्पित समझते हैं उनमें भी यह संक्रमण होता है। एज वेल एज दोज हु कंसिडर देमसेल्व्स टू बी सरेंडर्ड जो समर्पित भी नहीं है प्रैक्टिकल में और अपने को समर्पित नहीं समझते हैं उनका तो फिर कहना ही क्या। देन वॉट टू से अबाउट दोज हु आर नीदर सरेंडर्ड इन प्रैक्टिस नॉर डू दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी सरेंडर्ड। उनमें तो परिवर्तन होना ही होना। देर विल सर्टनली बी चेंजेस इन देम अवस्था अप एंड डाउन होनी ही। देयर स्टेज विल सर्टनली गो अप एंड डाउन हालांकि उनके लिए भी बाबा ने बताया है गो सून कम सून। हाउएवर बाबा हैज सेड फॉर देम टू गो सून कम सून। बाबा के पास जल्दी आओ और जल्दी वापस जाओ। कम सून टू बाबा एंड गो बैक सून वापस जाना है ईश्वरीय सेवा के लिए। यू हैव टू गो बैक फॉर द डिवाइन सर्विस। सागर में आकर के बादल भरे और वापस जाकर के बरसे। द क्लाउड्स शुड कम टू द ओशन फिल देम सेल्व्स अप गो बैक एंड रेन। खाली हो जाए फिर बाबा के पास आए। वेन दे आर एम्प्टी दे शुड कम बैक टू बाबा। लेकिन होता क्या है। बट वॉट हैपन्स इन रियलिटी बाहर की दुनिया में जाकर के बाहर की दुनिया का ऐसा रंग लगता है ऐसा संग लगता है कि बाबा की बात भूल जाती। वेन दे गो टू द आउटसाइड वर्ल्ड दे आर कलर्ड बाय द कंपनी ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड इन सच अ वे दैट दे फॉरगेट द वर्ड्स ऑफ बाबा। गलतियां भी करते रहते हैं। दे कीप मेकिंग मिस्टेक्स एज वेल। कोई कोई पोता मेल भी लिखते रहते हैं। सम ऑल्सो कीप राइटिंग पोता मेल्स अ लेटर टू बाबा कंटेनिंग द अकाउंट्स ऑफ द सीक्रेट्स एंड वीकनेसेस ऑफ वन्स माइंड बॉडी एंड वेल्थ। कोई तो लिखते ही नहीं। एंड सम डोंट राइट इट एट ऑल और लिख करके बाबा के पास भेजते भी रहते हैं। एंड दोज हु राइट ऑल्सो कीप सेंडिंग इट टू बाबा। लेकिन पोता मेल एक बार माफ होगा दो बार माफ होगा तीन बार माफ होगा बार बार कहाँ तक माफ होगा। बट द पोता मेल विल बी फॉरगिवन वंस ट्वाइस और थ्राइस हाउ लॉन्ग विल इट बी फॉरगिवन अगेन एंड अगेन। जब तक बाबा के सामने पहुँचेंगे नहीं। अंटिल दे कम इन फ्रंट ऑफ बाबा। एक दूसरे से जो लेते हैं उन ली हुई बातों का जो असर पड़ता है वो धुलेगा कैसे। हाउ विल दे गेट रिड ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द आइडियाज दैट दे टेक फ्रॉम ईच अदर। वेन दे हैव डाउट्स एट फर्स्ट विद इन देमसेल्स अपने अंदर ही उसको घुमा करके सेट कर लेते हैं। दे डोंट इवन आस्क
they twist them and set them within themselves. They don't find the need to have the opinion verified by Baba. And then they keep feeling uneasy within. Some take a decision. Some become cold, meaning inactive. Some start blaming each other. और ऐसे होते होते अवस्था बिल्कुल नीचे जाती है. And when this happens continuously, their stage goes down completely. ये तो हुई non-surrendered work की बात अथवा जो अपने को surrender नहीं समझते उनकी बात. This was about the non-surrendered class or about those who don't consider themselves to be surrendered. जो समर्पित हैं, उनमें दो प्रकार के हैं. एक तो ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरी बात को समझा नहीं है. Among those who are surrendered, they are of two types. One is of those who haven't understood the complete topic. और माँबाप ने उनको अर्पण कर दिया है. Their parents have offered, meaning surrendered them in the yagya. और मजबूरी में आकर के बैठ गए. And they, meaning the daughters, came and sat here out of compulsion. तो उनकी बुद्धि वृत्ति तो बाहर की दुनिया में ही जाएगी. So their intellect and vibrations will certainly go towards the outside world. भले मधुबन में बाबा के पास रहते हैं या बाबा ने जो स्थान निश्चित किए हैं, मिनी मधुबन बनाए हैं, उन स्थानों पर रहते हैं. दो दे स्टे इन मधुबन नियर बाबा और दे स्टे एट द प्लेसेस फिक्स्ड बाय बाबा द मिनी मधुबन्स मेड बाय हिम. लेकिन बात की गहराई को न समझने के कारण उनकी वृत्ति और दृष्टि जो है बाहर की दुनिया में जाती. Their vibrations and vision go towards the outside world because of not understanding the depth of the topics. Unka bhi kinara nahi lagta. They don't reach the destination either. Bhale subah se leke sham tak, sham se leke subah tak vatavaran unko acha mila hua. Though they have received a good environment from morning till evening and then from evening till morning. Gyan ka vatavaran mila hua hai, 3-4 bari yoga ka vatavaran mila hua hai. Though they have received an environment of knowledge, an environment of yoga, 3-4 times a day, लेकिन बुद्धि का जितना संग होगा उतना ही प्राप्ति होगी. They will make attainments only to the extent their intellect is in the company of the father. वो भी रह जाते. Such ones are also left behind. थोड़ी सी आत्में ऐसी हैं जो वास्तव में समर्पित भी हैं. There are a few souls like this who are actually surrendered. अपने को समर्पित समझती भी हैं. And they consider themselves to be surrendered too. और बाबा जैसे चलाना चाहता है, जो बात सुनाना चाहता है उसको वैसे धारण करती हैं और चलती. And the way Baba wants them to follow, whatever he wants to narrate, they imbibe it just like that and follow it. लेकिन अंतर क्या पड़ता है? But what creates a difference? अंतर हुजूम का पड़ता है. The crowd creates a difference among them. एक तो आने वाले जिज्ञासु, बाहर की दुनिया से आने वाले जिज्ञासु, डीके से आने वाले जिज्ञासु और अंदर के ब्राह्मण परिवार के माने एडवांस पार्टी के ही कुछ ऐसे जिज्ञासु जो बहुत अंदर से तहस नहस हुए पड़े, उनकी बातें सुन सुन करके उनके ऊपर असर पड़ता है. वन थिंग इज दैट आफ्टर लिसनिंग कंटिन्यूअसली टू द वर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु कम, द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, the students coming from BKs and some students of inside, the Brahmin family, meaning the advance party itself, who are completely destroyed from within, they, meaning those who follow Baba's words, are influenced. Baba ke sampark sansarg mein rehte hue bhi unme koi mein aisa hota hai ki Baba se poochne ki himmat nahi padti. Even while staying in contact and connection with Baba, some of them can't gather the courage to ask their questions to Baba. ये भी यही कहेंगे कि पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है. For this also it will be said that these are the karmic accounts of the previous births. जो आत्माएं अनेक जन्म बाबा के संपर्क संसर्ग में रही हैं. The souls who have stayed in contact and connection with Baba for many births. उनको तो कोई आपत्ति नहीं होगी. बाबा से पूछेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे. Certainly won't have any objection. They will ask and meet Baba. कोई बहाना बनाने का उनको मौका नहीं मिलता. They don't find any chance to make excuses. लेकिन ये सबके साथ तो जैसा हो नहीं सकता. But it can't be the same case with everyone.
बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो दूसरों के प्रभाव में आ जाती है। देर आर मेनी सोल्स लाइक दिस हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। संगी साथियों के प्रभाव में आ जाती हैं और बाबा से उतना संपर्क संसर्ग नहीं रख पाती। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कंपेनियन एंड फ्रेंड्स एंड आर अनेबल टू मेंटेन कॉन्टेक्ट एंड कनेक्शन मच विद बाबा। तो टोटल मिलाकर के ब्राह्मण परिवार की चौथी अवस्था जब आती है, सो ओवरऑल व्हेन द ब्राह्मण फैमिली रीचेस द फोर्थ स्टेज, जो अभी तक पोता मेल आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द पोता मेल्स दैट आर बीइंग रिसीव्ड टिल नाउ, जिनसे ये देखा जाता है कि जो पुराने हैं वो अंदर अंदर में बहुत सी बातों को लेकर के घुसते हैं। इट शोज दैट द ओल्ड वंस फील अनइजी फ्रॉम विद इन बिकॉज ऑफ मेनी टॉपिक्स। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बट दिस शुडंट हैपन। घुटते घुटते ये हालत पैदा हो जाती है कि जो क्लासेज हैं वो भी करना छोड़ देते हैं। बिकॉज ऑफ फीलिंग अनइजी कंटिन्यूअसली सच अ सिचुएशन अराइजेज दैट दे इवन स्टॉप अटेंडिंग द डेली क्लासेज। जो गीता पाठशालाएं बनाई गई हैं, जिस उमंग उत्साह से जिस समय गीता पाठशालाएं बनी थी, देर वॉज सो मच जील एंड एंथुसियाज्म एट द टाइम व्हेन द गीता पाठशालास गीता स्कूल्स वर मेड, जिस उमंग उत्साह से उस समय जाते थे शुरुआत में, एंड द जील एंड एंथुसियाज्म विद विच दे मीनिंग द स्टूडेंट्स यूज्ड टू गो देयर इन द बिगिनिंग लेन करते थे, दे गेव एंड टुक नॉलेज, सेवा करते थे, सर्विस के समाचार सुनाते थे, डिड सर्विस एंड नरेटेड द न्यूज ऑफ सर्विस, उन सब बातों में ठंडास आती जाती। दे बिकम इनएक्टिव इन ऑल दोज थिंग्स। भले संगठन के प्रोग्राम होते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं। दो दे गेट टूगेदर वेन द संगठन मीनिंग गैदरिंग प्रोग्राम्स आर हेल्ड, वो इकट्ठा होना अपनी प्योरिटी की यूनिटी के आधार पर नहीं है। दैट गेटिंग टूगेदर इजंट बेस्ड ऑन द यूनिटी थ्रू देयर प्योरिटी, वो सिर्फ ज्ञान की ऐसी यूनिटी है। इट इज जस्ट द यूनिटी थ्रू नॉलेज, ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा है जो उस समय उनको चला रही। इट इज सच अ पीक ऑफ नॉलेज विच इज मेकिंग देम द स्टूडेंट्स फॉलो द नॉलेज एट प्रेजेंट। अब ये इंडिविजुअल प्योरिटी बढ़ाई कैसे जाए? वेल, हाउ कैन वी इंक्रीज दिस प्योरिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल? प्योरिटी चार प्रकार की है। देर आर फोर काइंड ऑफ प्योरिटी। सबसे ऊंची से ऊंची और गहरी से गहरी प्योरिटी है वृत्ति की, वाइब्रेशन की। द हाइएस्ट एंड द डीपेस्ट प्योरिटी इज दैट ऑफ वृत्ति ऑफ वाइब्रेशन। जो पवित्र आत्माएं होंगी, जितनी जाति पवित्र होंगी, दोज हु आर प्योर सोल्स द प्योरर दे आर, उनके वातावरण में आने मात्र से दूसरे जो है वो सुख का अनुभव शांति का अनुभव करेंगे। द मोर द अदर्स विल एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एंड पीस जस्ट बाय गोइंग इन देयर एटमोस्फियर मीनिंग वाइब्रेशंस। उनके वाइब्रेशन चेंज होने लगेंगे। दे आर मीनिंग द अदर सोल्स वाइब्रेशंस विल ऑल्सो स्टार्ट चेंजिंग। बहुत सी बातें पूछे बगैर ही उनकी समाधान हो जाएंगी। मेनी ऑफ देयर क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड इवन विदाउट आस्किंग। जैसे परमधाम से जाति पवित्र धाम कोई नहीं होता। जस्ट लाइक देयर इज नो अबोर्ड एज प्योर एज द सुप्रीम अबोर्ड। ऐसे ही उन आत्माओं के वाइब्रेशन इतने पवित्र होंगे। सिमिलरली द वाइब्रेशंस ऑफ दोज प्योर सोल्स विल बी सो प्योर कि उनके जैसे जैसे नजदीक पहुंचेंगे वो नजदीक आने मात्र से ही उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। दैट द क्लोजर द अदर्स गो टू देम जस्ट बाय गोइंग क्लोज अ रिफॉर्मेशन विल बी सीन इन देम। समीप पहुंचने वालों, दैट इज इन दोज हु गो क्लोज। ये हुई वृत्ति की पवित्रता। दिस इज द प्यूरिटी ऑफ वृत्ति मीनिंग वाइब्रेशंस। वृत्ति कहते हैं हरेक मनुष्य आत्मा के मन से जो वाइब्रेशन फैलते हैं। The vibrations that spread from the mind of every human soul is called vritti. Vibration ka chakra charo taraf phailta hai. Wo chakra hai vritti ki pavitrata. And the circle of vibrations that spreads in all the directions is the purity of vritti. Jis purity ki parakasta se Radha Krishna ka janma hoga. It is the peak of purity through which Radha and Krishna will be born. Aapne Lakshmi Narayan ki chitra mein dekha hoga. You must have seen in the picture of Lakshmi Narayan, Radha Krishna phir bhi ek dusre se drishti le rahe, that Radha and Krishna are exchanging gazes with each other. Unki pavitra drishti ka sankraman ek dusre mein ho raha hai, mane Radha ki drishti Krishna mein doob rahi hai aur Krishna ki drishti Radha mein doob rahi hai.
There is the exchange of their pure look to each other. It means Radha is exchanging gazes with Krishna and Krishna is exchanging gazes with Radha. So, unko drishti ka mel dikhaya gaya. So, the meeting of their eyes, meaning drishti, has been shown. Lekin unse bhi upar ki stage mein jo Lakshmi Narayan khade hain. But Lakshmi Narayan, who are standing, are at a stage higher than them. Wo ek dusre ko drishti se bhi nahi dekh rahe. Aren't even looking at each other through the eyes. Unme kaun si aisi shist hai? What speciality do they have? Ki drishti se sankraman kiye bagair, mile bagair. That without the exchange of look, meaning drishti, without meeting through the eyes, Radha Krishna jaise shrestha bachchon ko janma dete. They give birth to elevated children like Radha and Krishna. In the picture of Lakshmi Narayan, the old picture sized 30 by 40 inches prepared during the days of Brahma Baba, in it, Lakshmi Narayan, who are standing above Radha Krishna, with which vibrations are they standing? Are they looking straight ahead or are they looking at each other? They don't even look at each other. There is an exchange, a connection just through vibrations. Someone may ask, how is it possible? मोर का मिसाल तो राधा कृष्ण के लिए लागू हो सकता है कि भाई मोर मोरनी आंसू पीते हैं. The example of the peacock can be applied to Radha Krishna. The peahen drinks the tears of the peacock. आंख से निकला हुआ जल पीने से उनका संसर्ग हो जाता है. They come in connection by drinking tears that come out of the eyes of the peacock. लेकिन व्यक्ति मात्र से संसर्ग कैसे संभव है? But how is the connection possible just through vibrations? For example, there is a plant of papaya. It has the speciality that the male tree and the female tree attract each other's pollen in the form of vibrations even on being miles away from each other. Naraki vritti mada khichti hai. The female tree attracts the vibrations of the male tree. Dur se hi khichti hai. It certainly attracts it from a distance. Aur usme phal aane lag padte. And it starts bearing fruits. To jad paudhon mein jab ye vritti hoti hai. So when inert plants have these vibrations, और वो इतने दूर से अपना बीज खींच सकते हैं एंड कैन अट्रैक्ट देयर सीड्स फ्रॉम सच अ डिस्टेंस. तो मनुष्य तो उनसे ज्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है? सो आर द ह्यूमन बीइंग्स मोर पावरफुल और लेस पावरफुल देन देम? ज्यादा ही पावरफुल. दे आर सर्टनली मोर पावरफुल. माना 4.5 लाख जो जन्म देने वाले माता पिता है. इट मीन्स द 4.5 लाख मीनिंग 450,000 पेरेंट्स who give birth to children like Radha Krishna, jo vishesh chuni hui advanced party ki aatmaye hai, unko us stage tak pahunchna padega jo Lakshmi Narayan ke chitra mein Lakshmi Narayan ki sthiti dikhai gayi hai. Those who are the specially selected souls of the advanced party will have to reach the stage of Lakshmi and Narayan shown in the picture of Lakshmi Narayan. Us purity se Radha Krishna jaise shrestha sola kala sampurna bachchon ka janm hoga. Through that purity, the elevated children like Radha Krishna, complete with 16 celestial degrees, will be born. Radha Krishna us unchi stage ko nahi pahunch sakte. Radha Krishna can't reach such a high stage. Wo drishti matri ki purity tak hi pahunchenge. They will just reach the purity of vision. Lekin unke maa baap 16 kala sampurna se bhi upar pahunchenge. But their parents will reach the stage higher than the stage of being complete with 16 celestial degrees. वो सूर्यवंशी कहे जाते हैं. They are called सूर्यवंशी, meaning those belonging to the Sun dynasty. सूर्य कभी कलाओं में नहीं बांधा जाता. The sun is never bound in celestial degrees. तो सूर्यवंशी बच्चों की भी कभी कलाएं बांधी नहीं जा सकती.
the celestial degrees of the Suryavanshi children can't be bound either. वो वृत्ति मात्र से ही इतने powerful होंगे. They will be so powerful just through their vibrations. कि जो कार्य आज विज्ञान कर रहा है, चमत्कार कर रहा है. That the task that is being done through science today, the miracles it is doing. बिना तार के आधार पर बेतार का तार, wireless या computer कहिए. Call it the wireless or the computer that works without the help of wires. दूर बैठे ही सारे vibrations लेते. That catches all the vibrations even on sitting far away. सारी आवाज सूख लेता है, चित्र भी दिखाई देता है, connection कुछ भी नहीं है. It pulls all the sounds as well as shows the picture, though there isn't any physical connection. तो ये स्थिति हम आत्माओं की भी बनेगी. We souls will also attain such a stage. जब हम आत्माओं की ये स्थिति बनेगी. When we souls attain such a stage. उस समय हम दूर बैठे भी कोई से बात कर सकें. At that time, we will be able to talk to anyone even after sitting far away. कोई के वाइब्रेशन ले सकेंगे. We will be able to catch anyone's vibrations. वो मनमाना भव की पराकाष्ठा की स्टेज होगी. That will be the stage of the peak of मनमाना भव, meaning merge in my mind. स्पष्ट किसी का चित्र देख सकेंगे. We will be able to see anyone's picture clearly. ये कॉन्सेंट्रेशन की तीव्रता होगी. There will be such an intensity of concentration. इस स्थिति तक हम बच्चों को पहुंचना है. We children have to reach this stage. लेकिन अभी स्थिति क्या है? But what is the stage now? पहले बाबा मुरली में बोला करते थे. Earlier, Baba used to say in the murli. कि बच्चे बातन से कोई विकर्म हो जाता है. Children, even if you perform any wrong action through speech. लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना. Don't perform any wrong action through the कर्मेंद्रिया, meaning parts of the body used to perform actions. अगर कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म हुआ. If you perform any wrong action through the कर्मेंद्रिया. मन विचार हुआ, पाप कर्म हुआ. Meaning if you perform any adulteration, any sin. एक पाप दूसरा न कोई इस वृत्ति से नीचे उतर करके. If you fall down from the attitude of one father and no one else. कोई और से संसर्ग किया, वाचा से, दृष्टि से या कर्मेंद्रियों से. And come in contact with someone else through speech, vision or कर्मेंद्रिय. तो पाप बन जाएगा. Then you will accumulate sins. और अभी तो अव्यक्तवाणियों में क्या बोलने लग पड़े. And what has Baba started saying now in the अव्यक्तवाणीस? कि बच्चे संकल्पों से भी अगर कोई तुम गलत संकल्प करते हो, विविचारी संकल्प करते हो, तो उसका भी पाप बनता है. Children, even if you generate any wrong or adulterated thought, you accumulate sin for that too. पहले ज्ञान कम था. Earlier, we had less knowledge. अभी हम बच्चों के अंदर ज्ञान ज्यादा है. Now, we children have more knowledge. तो जो जितना ज्यादा ज्ञानी है, उसको तो और ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा. सो द मोर समवन इज नॉलेजेबल, द मोर ही विल हैव टू बी अलर्ट. लेकिन बजाय अलर्ट रहने के, अलबेलापन और ही ज्यादा बढ़ता जाता. बट इंस्टेड ऑफ बीइंग अलर्ट, केयरलेसनेस इंक्रीजेस मोर एंड मोर. ऊंचे उठने की एक ही इकाई बताई. जस्ट वन थिंग हैज बीन मेंशन्ड टू राइज हाई. कि बच्चे अपना अमृत वेला सुधार लो. चिल्ड्रन, improve your amrit vela, meaning early morning hours. Amrit vela sudhara to sab sudhar jayega. If you improve your amrit vela, everything will improve. Lekin abhi haath uthwaya jaye ki 5:15 baje se pehle 10 minute 15 minute 20 minute aadha ghanta ya 1 ghante ka purushartha kaun kaun karte hain. But if everyone is asked to raise the hand to know how many make purushartha, spiritual effort for 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, half an hour or 1 hour before 4:45 in the morning. तो कितने हाथ उठाएंगे? How many will raise their hands? उठाइए. Just raise your hands. Regular. Those who are regular. देखो भाइयों के बहुत कम हाथ उठे हुए हैं. Look, very few brothers have raised their hands. और कन्या माताओं के हाथ ज्यादा उठे हुए हैं.
and a greater number of maidens and mothers have raised their hands. और लौकिक पढ़ाई में भी ऐसे ही होता है. The same thing happens in the laukik, meaning worldly studies as well. लौकिक पढ़ाई में जो बच्चे हैं, वो कम पास हो रहे हैं. In the laukik studies, fewer sons pass. और जो बच्चियां हैं, वो ज्यादा पास हो रही हैं. And more daughters pass. और पास होने के बाद काम भी अच्छा करके दिखाती हैं. And after passing, they, meaning the daughters, also perform the task well and prove themselves. लेकिन यहाँ तो प्रवृत्ति मार्ग है. But here it is the household path. पांडवों के लिए बोला है शक्तियों से शक्ति लेकर के आगे बढ़ते रहे. It has been said for the Pandavas, meaning brothers, that they should take power from the Shaktis and keep moving ahead. और शक्तियाँ पांडवों से सहयोग लेकर के आगे बढ़ती रहे. And the Shaktis should take help from the Pandavas and continue to move ahead. Shaktis means consorts of Shiv. Here it means maidens and mothers. Pandavon ke bagair shaktiyan nahi chal sakti, shaktiyon ke bagair pandav nahi chal sakte. The Shaktis can't move ahead without the Pandavas, and the Pandavas can't move ahead without the Shaktis. Dono ke beech mein hai Shiv Baba. There is Shiv Baba between both of them. Ab karan kya hai jo itna alvelapan aata jata hai. Now, what is the reason for which carelessness increases so much? कारण है आपस में ही एक दूसरे से लेन देन करके एक दूसरे से संतुष्ट हो जाना. The reason is that the children exchange their thoughts with each other and are satisfied with each other. बाबा कहते हैं दिल की बात दिलावर से कहो. बाबा says, speak out your secret thoughts to the beloved, meaning दिलावर. आपस में ही एक दूसरे को दिलावर बनाए लेते हैं. But they make each other their beloved. आपस में ही एक दूसरे की दिल लेने और देने वाले बन जाते हैं. They become the ones who win the heart of each other and lose their heart on each other. तो बाबा तो एक तरफ हो गया ना. So बाबा is left aside, isn't he? बाबा भी अपने घुमपी मार के दूसरी तरफ बैठ जाता है. बाबा also becomes detached and sits on the other side. अब करना क्या है? Now what should you do? करना ये है. You should do this. कि जब जब अवस्था अपनी नीचे उतरती है तो उसका कारण देखना चाहिए. Whenever your stage falls, you should check the reason behind it. बाबा ने ये बताया है कि बच्चे याद और सेवा इन दोनों का बैलेंस जरूर रखना है. बाबा हैज सेड चिल्ड्रन यू शुड सर्टेनली मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बोथ रिमेम्बरेंस एंड सर्विस. याद में भी रहें और सेवा भी करें. You should stay in remembrance as well as do service. But either you are engaged in remembrance, that too, remembrance while sitting. Or else, you are engaged in doing service. At that time, you forget Baba's remembrance. Because Baba se pyar hi nahi hai, to yaad kaise hogi? Because if there is no love for Baba at all, how will you remember him? Yaad koi dusri cheez thodi hai, yaad mana pyar. Remembrance isn't something else. Remembrance means love. Aur pyar bhi nakli nahi. And that love shouldn't be artificial either. Ki aadha pyar Baba se aur aadha pyar dusron se. So that there is half love for Baba and half love for the others. Nahi. No. In fact, Baba wants, remember me alone. और किसी को बीच में नहीं डालो. Don't put anyone else in between. अगर और किसी को बीच में डालो. If you put anyone else in between, तो पाप बस नहीं होंगे. Your sins won't be burnt to ashes. निरंतर याद होनी चाहिए, लगन पूर्वक याद होनी चाहिए. Remembrance should be constant. And it should be affectionate. और फिर सहज भी होगी. Then it will be easy as well. तो पछताना पड़ता है कि ऐसा होता क्यों नहीं है. Otherwise, you have to repent, thinking, why doesn't it happen like this? ये कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है. Or sometimes it happens and sometimes it doesn't. ये बात ठीक है. This is correct. त्रेसठ जन्मों के हिसाब किताब है वो लास्ट में आकर के बहुत जोर मारती है.
that the karmic accounts of the 63 births apply a lot of force in the last birth. जिन आत्माओं को अभी अपनी परिपक्व स्टेज दिखाई भी पड़ती है कि नजदीक है मंजिल के, वो भी बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं. Even the souls who can see their complete stage now, who can see that they are close to the destination, are going up and down a lot. जिसके लिए बाबा ने बोला है. Baba has said for them. कि सौ मन के तो फिर भी पुरुषार्थ में अप एंड डाउन में ज्यादा नहीं आते हैं. The 100 beads don't go up and down in Purusharth much. But the 8 beads are going up and down the most. At one moment, they are in the topmost stage. And the other moment, they go completely down. So, when the 8 souls go up and down, the other souls belonging to their group, the ones who work under them, will certainly go up and down. Then, unity banegi kaise? Then how will unity be formed? Banegi. It will be formed. Akela chana kabhi bhar nahi phod sakta. A single gram can never break the furnace. Akela chana bhar nahi phod sakta. It means, a single person cannot accomplish a big task on his own. When one person gets the support of many people, there is certainly transformation. For example, Baba has said, if you give a donation, you will become free from the bad influence of the eclipse. From which eclipse will you become free? अरे ग्रहण किसको लगता है? अरे, who is eclipsed? सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण माना जाता है, जो उनको ग्रहण लगता है. It is considered that the sun and the moon are eclipsed. ज्ञान में हम समझते हैं कि ये विकारों का ग्रहण सूर्य को तो नहीं लगता. In the knowledge we understand that the sun is certainly not eclipsed by the vices. सूर्य तो आग का गोला है. In fact, the sun is a ball of fire. उसके ऊपर तो पृथ्वी की या चंद्रमा की परछाया पड़ ही नहीं सकती. The shadow of the earth or the moon can't fall over it at all. वो तो निर्लेप आत्मा है. In fact, he, meaning the sun, is an immune soul. तो हम ज्ञान में जानते हैं कि चंद्रमा के ऊपर एक एक सत्ता है, वो प्रभावित होता है. So, in the knowledge, we know that the moon is affected, it is influenced. Dharani rupi kanyao mataon ka prabhav ya parchhaya uske upar pad sakti hai. It can be influenced or shadowed by the maidens and mothers in the form of the earth. Aur wo andhere mein aa sakta hai. And it can come in darkness. So Baba ne bola de daan to chhooti gaya. So Baba has said, if you give a donation, you will become free from the bad influence of the eclipse. चंद्रमा की आत्मा को बाबा तो श्रेष्ठ समझते हैं. बाबा डज कंसिडर द सोल ऑफ द मून टू बी एलिवेटेड. श्रेष्ठ समझने के कारण ही ब्रह्मा चंद्रमा को सबसे आगे बढ़ाया हुआ है. इट इज बिकॉज ऑफ कंसिडरिंग इट टू बी एलिवेटेड दैट बाबा हैज इनेबल्ड ब्रह्मा और द मून टू मूव अहेड ऑफ एवरीवन. तो हम बच्चों का भी फर्ज बन जाता है कि हम उस आत्मा को सबसे ज्यादा योगदान देकर के. सो इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ अस चिल्ड्रन टू that we give a maximum donation of yogdan to that soul. And which donation should we give? A student, the donation of the vices. The donation of the vices. Are vikaron ka dan to Shiva Baba ko dena hai. Are you have to give the donation of the vices to Shiva Baba. Lekin aatmaon ko aapas mein kaun sa dan dena hai. But the souls are supposed to give which donation to each other? Aur un aatmaon mein jo shreshth aatma hai, usko kaun sa dan dena hai? And which donation are we supposed to give to the elevated soul even among the souls? Yogdan. Yogdan. Yogdan mana? Vibration ka dhyan. Yogdan means the donation of vibrations. Isse koi nazdeeki sambandhi hota hai. For example, if there is a close relative and we love him a lot, तो हमारे दिल में ये भावना पैदा होती है ये आत्मा भी
then we have this feeling in our heart that this soul should also come in knowledge. We wake up at Amrit Vela and give a special searchlight to that soul and it transforms. Similarly, that boat, meaning Brahma, is the boat of truth. It swings, but one thing is certain. What? It can't drown. So we children know that the boat is swinging, but why would it drown? There is no question of it drowning at all. It shouldn't even swing. Now the last time has arrived. If he has to transform through the vibrations of us children, he will definitely transform. There is transformation only through collective vibrations. If it isn't supposed to happen, then heaven shouldn't be established either. So there is an influence of the collective vibrations. Mandir, masjid, girjaghar, gurudware, jo bhi dharam pitaye hain, unhone ye niyam banaya ki sab ikatthe ho ek sthan par. All the religious fathers made this rule that everyone should get together at one place, like a temple, a mosque, a church, or a Sikh temple, meaning gurudwara. Sthan ka bhi bahut mehatv ho jata hai. Aur us time ka bhi bahut mehatv ho jata hai jahan sab ikatthe hote hain. The place becomes very important, as well as the time where everyone gets together also becomes very important. It becomes a kind of festival. So, there is the influence of the gathering of vibrations when everyone gets together at one place. That influence brings an immediate effect. Now, we Brahmin children have to see that Baba certainly has been calling out Manmana Bhav for so many years. We children have understood the meaning of this. When the children have the same thoughts as the father's thoughts, this itself is to be Manmana Bhav. So what does the father desire at present? We children should fulfill the desire of the father. We should generate those very thoughts, speak those very words, perform only those actions which accomplish that task. Rudramala or Vijaymala. The Rudramala and the Vijaymala. Rudramala, the rosary of Rudra. Vijaymala, the rosary of victory. Lekin Vijaymala baad ki cheez hai, pehle to jo Suryavanshiyon ki Rudramala hai. But the Vijaymala is something that will be formed later on. Firstly, there are two groups, one on the right side and the other on the left side in the Rudramala of the Suryavanshis itself. Mainly, it can be said that the two groups are the Suryavansh, the Sun dynasty, and the Chandravansh, the Moon dynasty. Brahma belongs to the Chandravansh. Aur Baba hai Suryavansh. And the father belongs to the Suryavansh. Brahma Ma Gyan Chandrama. Mother Brahma is the moon of knowledge. Aur Gyan Surya Baba Prajapita Gyan Surya hai. And the father Prajapita is the son of knowledge. In dono ka agar vritti mein
दृष्टि में, वाचा में, कर्म इंद्रियों से एका नहीं होता। If both of them don't unite through the vibrations, the vision, the speech and the karmendriya, then there can never be unity among the Brahmins. First of all, one unit will reform. Then there will be the improvement of the other units, one after the other. So the power of the gathering can do a lot. With the help of vibrations, we can do a great service even while sitting far away. This power of the gathering comes through purity. In the confluence age, whichever soul has made purusharth of gathering purity to whatever extent, it will be able to cooperate to that extent. अगर पुरुषार्थ नहीं किया होगा या कम किया होगा या जैसा किया होगा तो सहयोग भी उतना ही दे सकेगा। If it hasn't made purusharth or if it has made lesser purusharth or whatever purusharth it has made, it will be able to cooperate just to that extent. अभी अंत समय है। Now it is the last time. अभी तो बाबा मनसा सेवा के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं। Now Baba is emphasizing a lot on the service through the mind, mansa seva. 62 वर्ष हो चुके, वाचा की कितनी भारी सेवा की है। 60 to 62 years have passed. They have performed such a great service through speech. भाग दौड़ करके कर्मेंद्रियों से कितनी जबरदस्त सेवा की है। They have performed such a great service through the karmendriya, running around. तो सेवा से रिजल्ट कितना निकला? What was the result of that service that came out? ना के बराबर रिजल्ट निकला। The result obtained is negligible. अभी याद करते करते प्रैक्टिस जरूर नंबर वार ऐसी हुई है कि बच्चे अगर हिम्मत करें। Now, while remembering continuously, the children have definitely attained this practice at different levels, that if they show courage, तो ब्राह्मणों की दुनिया में खास करके एडवांस पार्टी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। They can bring about a great transformation in the Brahmin world, especially in the advanced party. पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। First, the home should be reformed, then others should be reformed. If complete transformation hasn't been brought about within our home itself, how will there be transformation outside? A house made of bricks isn't called a home. The mother and the father are the first unit of the first home in the Brahmin family of the advanced party. And unless the vibrations of the mother and the father combine to become one, there can't be transformation in the children. This is in the hands of the children. Just like it happened in the beginning of the yagya. Along with the establishment, the flame of destruction was also ignited from the yagya kund, meaning pit for sacrificial fire. It also means the spiritual family established by God. Who became the instruments? Brahma, the father, and और आहुति का काम किसने किया? And who performed the task of putting the offering? ब्राह्मण बच्चों। The Brahmin children. ऐसे तो ब्राह्मण बच्चों को पहले न्यूट्रल रहना चाहिए। Actually, the Brahmin children should be neutral first. लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। But this isn't possible. क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो माँ से पैदा होता है। Because a child is born through a mother. माँ का प्यार लेता है तो माँ की तरफ रुझान तो हो ही जाता है। He gets love from the mother. So he is certainly inclined towards the mother. माँ की तरफ ज्यादा रुझान होने के कारण सारा प्यार बच्चे का और माँ का बच्चे की तरफ जाता है। Because of being more inclined towards the mother, the entire love of the child is towards the mother.
and the entire love of the mother is towards the child. Though the child becomes intelligent later on. The first foundation of the mother's love towards the child and that of the child towards the mother was certainly laid, wasn't it? It is the knowledge, the father's knowledge that says, we receive the inheritance from the father himself through Brahma. For example, this mic has been kept here. The voice spreads through the mic. But the voice will spread only when there is a speaker. Similarly, the father is the giver of the inheritance. But Brahma has become the media, an instrument in between. If the machinery in the mic itself is faulty, if there is a sound distortion, the voice won't reach everywhere properly. Similarly, the mother is a media. For example, in the Laukik world, a mother offers the biggest contribution in taking care of the house and the family in creating heaven or hell. The mother gives such a great contribution. Cooperates so much that she even forgets what she has to take. This has continued till now in the Indian tradition. When the daughter is a small child, she is surrendered to her parents. When she is married, she is surrendered to her husband. And if the husband dies, the mother becomes dependent on her children. She is surrendered to the children. In the Indian tradition, a mother didn't receive the inheritance. A mother sacrificed everything for the children. A mother never cares to take the inheritance herself. But she becomes an instrument in making the children receive the inheritance. That same thing happens in the Alaukik tradition as well. The Jagat Mata, meaning World Mother, performs the task of the foundation stone. The foundation stone is buried under the ground. It isn't visible to anyone. Nobody knows that the entire house, the foundation of the entire house is on that foundation stone. The kangure above are visible to everyone. Kangure means the design on the boundary of the roof. The grace of kangure is visible to everyone. But it is the father who comes and praises the foundation. For example, if you pick up any murli, you will see that the extent to which the mother Gita is praised in the murlis, the extent to which the father praises the mothers of Bharat in the murlis, or the extent to which the father praises the mothers, he doesn't praise anyone else to that extent. It is said that the father has come for the mothers. There is
is no question for the maidens to have any wrong feelings because of the father saying this. Baba to kehte hain ki main kanyaon ko bhi mata bana deta hu. In fact, Baba says, I even make the maidens into mothers. Kyunki sabhi jagat mata hai. Because they all are the world mothers. Purity ka mata sabse zyada aage rehta hai. The ability of purity makes them move ahead the most. Bharat ki mata hai jo swarg ka darwaza kholne wali hai. Gyan bhi aane ke baad unki drishti ki purity, vritti ki purity, vaacha ki purity aur karmindriyon ki purity ye sabse bada kaam karti hai. The purity of vision, the purity of vibrations, the purity of speech and the purity of the karmendriya of the mothers of Bharat who open the gates of heaven does the biggest task after coming in knowledge. Pavitrata ke aadhar par hi parivartan hota hai. Transformation is brought about just through purity. Teen murtiyan hai, Brahma ki murti, Shankar ki murti, lekin parivartan shakti kiske kaun si murti mein udhi hui hai. There are three personalities, the personality of Brahma, the personality of Shankar. But with which personality is the power of transformation set? Vishnu ki murti. With the personality of Vishnu. Brahma ke dwara kitne varsh kaam hua yagya mein. The task was performed through Brahma for many years in the yagya. Shankar ke dwara bhi kitna varsh kaam hota hai. The task is also performed through Shankar for many years. लेकिन परिवर्तन समय में जाकर के तब ही होता है जब पवित्रता की प्रतिमूर्ति विष्णु वैष्णो देवी वो प्रत्यक्ष होती है. बट द ट्रांसफॉर्मेशन इज ब्रॉट अबाउट इन द एंड ओनली व्हेन द इमेज ऑफ प्यूरिटी विष्णु मीनिंग वैष्णव देवी इज रिवील्ड. बाबा तो कहते हैं हर आत्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का पार्ट अदा करने वाली है. बाबा डस से एवरी सोल प्लेस द पार्ट ऑफ ऑल द थ्री पर्सनैलिटीज ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर. हर आत्मा के अंदर ये तीन पार्ट मुदे हुए हैं. दीज थ्री पार्ट्स आर फिक्स्ड इन एवरी सोल. हर आत्मा अपने लिए ब्रह्मा है विष्णु है शंकर का पार्ट अदा करने वाली. एवरी सोल इज ब्रह्मा एवरी सोल इज विष्णु एंड एवरी सोल प्लेस द पार्ट ऑफ शंकर फॉर इट सेल्फ. तो हम बच्चों को अपनी वैष्णवी वृत्ति को अब जगाने का टाइम आ गया. नाउ द टाइम हैज कम फॉर अस चिल्ड्रन टू अवेकन अवर वैष्णवी वाइब्रेशंस. अभी परिवर्तन होना ही होना है ये बुद्धि में पक्का करना चाहिए. नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन इज बाउंड टू टेक प्लेस वी शुड मेक दिस फर्म इन द इंटेलेक्ट. त्रेसठ जन्म कुंभकर्ण आत्माओं के प्रभाव में आते रहे. फॉर 63 बर्थ्स वी कंटिन्यू टू कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कुंभकर्ण लाइक सोल्स. कुंभकर्ण ब्रदर ऑफ रावण इन द एपिक रामायण हु स्लेप्ट फॉर 6 मंथ्स वोक अप फॉर अ डे टू स्लीप फॉर अनदर 6 मंथ्स. बाबा कुंभकर्ण किसे कहते हैं? होम डज बाबा कॉल कुंभकर्ण. कुंभकर्ण भारतवासी है या विदेशवासी? इज कुंभकर्ण अ रेजिडेंट ऑफ भारत और अ रेजिडेंट ऑफ द फॉरेन कंट्री? भारतवासियों को कुंभकर्ण कहते हैं. द रेजिडेंट्स ऑफ भारत आर कॉल्ड कुंभकर्ण. ज्यादा गुरु लोग कहाँ हुए? वेयर हैव मोस्ट ऑफ द गुरुज बीन फाउंड? भारत में. इन भारत. तो जो गुरुगिरी ज्यादा करते हैं दूसरों को अपने तरीके से मोल्ड कर लेते हैं वो एक गुरु होते हैं. दोज हु प्रीच अ लॉट एंड मोल्ड अदर्स इन देयर ओन वे दे देमसेल्व्स आर गुरुज. वो गुरु कोई 63 जन्म में ही नहीं हुए हैं. इट इजंट दैट देयर हैव बीन दोज गुरुज ओनली इन द 63 बर्थ्स. ऐसे कि नहीं वो गुरु कोई ब्रह्मा कुमारी और बीके में ही बैठे हुए हैं. इट इजंट दैट दोज गुरुज आर जस्ट सिटिंग अमंग द ब्रह्मा कुमारीज द बीकेज ईदर. वो गुरु हमारी एडवांस पार्टी में भी बीज रूप में बैठे हुए. दोज गुरुज आर ऑल्सो सिटिंग अमंग द सीट फॉर्म सोल्स ऑफ अवर एडवांस पार्टी एज वेल. बाबा जो बातें बताएंगे उन बातों को मोल्ड करके अपने स्वार्थ के अनुरूप मोड़ करके उनको अपने तरीके से बताने के आदि हैं. दे आर यूज टू मोल्डिंग ट्विस्टिंग एंड सेइंग द पॉइंट्स सेट बाय बाबा अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फ इंटरेस्ट. खुद भी अपनी अवस्था खराब करते हैं और दूसरों की भी खराब कर देते हैं. दे स्पॉइल देयर ओन स्टेज एज वेल एज द स्टेज ऑफ अदर्स. खुद भी सत्यानाश करते हैं अपना और दूसरों की भी सत्यानाश कर देते हैं. दे रुइन देमसेल्व्स एज वेल एज अदर्स. जैसे बाबा कहते हैं कि गुरु लोग भोजन कैसे खाते. फॉर एग्जाम्पल बाबा आस्क्स हाउ डू द गुरुज ईट फूड. भोजन जब खाते हैं तो सारी थाली जो है साफ करके धो करके पी जाती. वेन दे ईट फूड
They eat up the whole plate, wash it and drink it. क्या? What? वो हद के भोजन की बात नहीं है. It isn't about limited food. हद के भोग लगाने की बात नहीं करते हैं बाबा. Baba doesn't speak about offering food in the limited. वो सन्यासियों का बेहद का purity का भोजन है. Purity is the unlimited food of the sannyasis. जो भी आत्मा उनके हाथ में आती है सारी साफ करके रखते थे. Whichever soul comes in their hands, meaning control, they clean it up completely. वाचा से भी सारी साफ कर लेते हैं, सारा पोता मिल ले लेंगे. They clean it through the words as well. They take their entire pota mail. बाबा कहते एक से सुनो और एक को सुनाओ. बाबा says, listen from the one and narrate to the one. लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं? But what do we children do? अनेकों से सुनते हैं और अनेकों को सुनाते. We listen from many and narrate to many. Baba कहते हैं एक से सुनना यह है अभिविचारी ज्ञान. Baba says, listening to the one is unadulterated knowledge. और अनेकों से सुनना यह है अभिविचारी ज्ञान. And listening to many is adulterated knowledge. ऐसे ही वृत्ति में भी और कर्मेंद्रियों के संसरण में भी हम उन गुरुओं से प्रभावित होते रहते. Similarly, we are gradually influenced by those gurus through vision, through vibrations, as well as through the contact of the karmendriya. The result is that our plate of purity is completely cleaned up. That is why Baba has named them Hiranyakashyap, a demon king in the Hindu mythology who considered himself to be God. क्या नाम रखा है? What has he named them? हिरण्य माने सोना. हिरण्य means gold. काश्य माने तेज. पा माने पीने वाले. काश्य means shine. प means the one who drinks. जो सोने जैसी सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, उन्हें के योग बल रूपी, लगाव रूपी, लगन रूपी जो काश्य है, उसे तेज को पीने वाले हैं. They are the ones who drink the kashya, the shine in the form of the power of yoga, in the form of attachment, in the form of the dedication of the souls who are true like gold. सारा ही पी जाते. They drink it completely. इसलिए उनका नाम रखा गया हिरण्यकश्यप. This is why they have been named Hiranyakashyap. तो ऐसी ऐसी आत्माएं जो बाबा की बात को मोड़ करके और अपने तरीके से अपने स्वार्थ में लगाने वाली है. उनसे इस समय बच करके रहना बहुत जरूरी है. सो एट दिस टाइम इट इज वेरी नेसेसरी टू सेव अवर सेल्स फ्रॉम सच सोल्स हु ट्विस्ट द वर्ड्स ऑफ बाबा इन देयर ओन वे एंड यूज इट फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट. किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए. वी शुडंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन. किसी भी मनुष्य गुरु से प्रभावित हुए मैंने उसकी प्रजा बन गई. इफ वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ह्यूमन गुरु इट मीन्स we become his subject. हमें तो बाबा राजा बनाने के लिए आया है. In fact, Baba has come to make us into kings. या किसी से प्रभावित होने वाली प्रजा बनाने के लिए आया है. और has he come to make us into subjects who are influenced by anyone? हमें क्या बनना है? What do we have to become? राजा बनना है. We have to become kings. रानी भी नहीं. Not even queens. रानियां फिर भी राजा से प्रभावित होती. Queens are still influenced by kings. हमें विजयमाला में भी नहीं जाना है. We don't have to go to the विजयमाला either. पाप की माला है रुद्रमाला. The father's rosary is the रुद्रमाला. राजाओं की माला. It is the rosary of the kings. जो जन्म जन्मांतर राजा बनकर के रहे हैं. The ones who have been kings for many births. राजा कभी किसी के प्रभाव में नहीं आते. Kings are never influenced by anyone. हाँ, जो अपवित्र राजाएं हुए तो जितने जितने अपवित्र बनते गए उतना उतना प्रभावित होते गए. बट येस देर हैव बीन इम्प्योर किंग्स हु वर इन्फ्लुएंस्ड टू द एक्सटेंट दे बिकेम इम्प्योर. पहले द्वापरिक के आदि में एक मंत्री होता था. अर्लियर इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉपर एज देर यूज टू बी वन मिनिस्टर इन अ किंगडम. ब्राह्मणों को मंत्री बनाया जाता था. ब्राह्मिन्स वर मेड मिनिस्टर्स. ये विश्वास रखते थे राजाएं ये पवित्र रहते हैं.
kings believed, as they, meaning the Brahmins, remain pure. इनके पवित्रता के वाइब्रेशन से हमें जो कुछ सीख मिलेगी वो अच्छी सीख मिलेगी. And because of their vibrations of purity, whatever advice we get from them will be good advice. तो उनकी बात मान करके राजकार्य चलाते. So the kings accepted their words and ran the administration. बाद में जैसे जैसे राजाएं ज्यादा पवित्र बनते गए वैसे वैसे मंत्रियों की संख्या भी बढ़ती चली गई. Later on, as the kings became more and more impure, the number of ministers also increased. और ये हाल बढ़ते बढ़ते आज क्या हाल हो गया है? And what is the situation today because of the continuous increase? आज गवर्नमेंट कैसे चलती है? How does the government function today? मंत्रियों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है. When a crowd of ministers gather, और ढेर सारे मंत्रियों की ढेर सारी मंत्रणा इकट्ठी होती है. And when lots of advice of numerous ministers is collected, तब राजकाज चलता है. The administration functions. तो अनेक मतों से रावण राज्य बन जाता है. So, the kingdom of Ravan is created because of many opinions. अभी तो हमको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने वाला, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मंत्रणा देने वाला बाप आया हुआ है. Now, the father who gives the most elevated opinion, who gives the most elevated advice to us, has come. Available है. He is available. ऐसे ही नहीं, वो हमको प्राप्त नहीं है. It isn't that we haven't found him. अभी तो communication के साधन भी बढ़ गए हैं. Now the means of communication have also increased. हम चाहें तो कदम कदम पर बाप की श्रीमत ले सकते हैं. If we want, we can take the Srimad of the Father at every step. Srimad. Shri means elevated, Mat means opinion, the best opinion. लेकिन वैसा नहीं होता. But this doesn't happen. हम आपस में ही एक दूसरे से बातों का संक्रमण करके और फैसला कर लेते. We exchange words with each other and take decisions. अभी पूछी जाए तो जो भी पुराने पुराने एडवांस पार्टी के भाती हैं, उनके अंदर ढेर सारे ऐसे प्रश्न निकलेंगे. At present, if the old members of the advance party are asked, there will be many questions like this in them. भले बाबा के सामने आकर वो बातें भूल जाते हैं. Though they forget those questions after going in front of Baba. लेकिन घर जाते हैं, दुनिया में वायुमंडल में पहुंचते हैं, ब्राह्मणों के वायुमंडल में पहुंचते हैं. But when they go back home, when they reach the worldly atmosphere, when they reach the atmosphere of Brahmins, तो ढेर सारे प्रश्न उमड़ते रहते हैं, घुमड़ते रहते हैं और अंदर अंदर परेशान होते रहते हैं. A lot of questions keep arising in them. They keep accumulating in the mind and they are troubled within. परेशान, परे की शान में पहुंचते रहते. परेशान मींस परे की शान में, मीनिंग इन द स्टेट ऑफ अदर्स. दे कीप रीचिंग द स्टेट ऑफ अदर्स. दूसरों की बातें, दूसरों की दृष्टि, वृत्ति और कर्म इंद्रियों के कृत्य से प्रभावित होते रहते. दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पीच, विजन, वाइब्रेशंस एंड द एक्शंस थ्रू द कर्मेंद्रिया ऑफ अदर्स कंटिन्यूअसली. प्रभावित माना प्रजा. टू बी इन्फ्लुएंस्ड मीन्स टू बिकम सब्जेक्ट्स. क्या फायदा हुआ बाप के आने का? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द अराइवल ऑफ द फादर? बाप आया भी और बाप की जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चीज है, श्रीमत, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है, उसको हम नहीं धारण कर सके जीवन में. इफ द फादर हैज कम एंड वी आरंट एबल टू असिमिलेट द एलिवेटेड थिंग, द श्रीमत, द एलिवेटेड ओपिनियन ऑफ द फादर इन अवर लाइफ, तो पुरुषोत्तम संगम युग का फायदा क्या हुआ? Then what is the benefit of the elevated confluence age? कितने ऐसे हैं जो ये अनुभव करते हैं कि ये मौजों का जीवन है? How many are there who experience that this is a life of delight? सच्चों को से भी ज्यादा श्रेष्ठ जीवन हमारा अब चल रहा है. The life which is more elevated than the life in the golden age is going on at present for us. सच्चों को तो बाद में होगा, वो तो 16 कला संपूर्ण जीवन होगा. There will be the golden age later on. It will certainly be a life complete with 16 celestial degrees. लेकिन संगम युग है 16 कला से भी ऊपर का जीवन. But the life in the confluence age is higher than the 16 celestial degrees. मौजों का युग है, मौज मनाने का युग है. It is an age of delight. It is an age to enjoy. अति प्रसन्नता का युग है. It is an age of extreme happiness.
इससे ज्यादा शांति और किसी युग में हम शरीर के साथ अनुभव नहीं कर सकेंगे. वी वोंट बी एबल टू एक्सपीरियंस पीस मोर देन दैट एट प्रेजेंट इन एनी अदर एज अलोंग विद द बॉडी. चाहे तो अभी सब अनुभव कर सकते. इफ वी विश वी कैन एक्सपीरियंस इट नाउ. वो दुखों से मुक्ति का वर्षा अभी लेने का टाइम है. इट इज द टाइम टू रिसीव द इनहेरिटेंस ऑफ लिबरेशन फ्रॉम सोरो नाउ. जीवन में रहते आनंदमय स्थिति का अनुभव करने का टाइम अभी है. इट इज द टाइम टू एक्सपीरियंस द ब्लिसफुल स्टेज व्हाइल बीइंग अलाइव नाउ. अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया. इफ वी डोंट एक्सपीरियंस इट नाउ वी विल नेवर एक्सपीरियंस इट. खुद ऐसे श्रेष्ठ वायुमंडल में रहेंगे, श्रेष्ठ वृत्ति में रहेंगे, श्रेष्ठ वाइब्रेशन में रहेंगे तो दूसरी आत्माओं को भी दान दे सकेंगे. If we ourselves stay in such an elevated atmosphere and elevated vibrations, we will be able to donate elevated vibrations to other souls as well. अरे 108 की माला का जो संगठन है उसमें सब नंबर वार. अरे इन द गैदरिंग ऑफ द रोजरी ऑफ 108 बीड्स एवरीवन इज एट अ डिफरेंट लेवल. एक मन का सर्वोपरि है, सर्वशक्तिशाली है तो एक मन का सबसे ज्यादा कमजोर भी है. If one bead is the chief of all, if it is almighty, then there is another bead as well, which is the weakest. लेकिन उस मणके में कोई विशेष ऐसी शिफ्ट भी है. However, that bead also has the speciality कि वो फूल के सबसे नजदीक है. That it is the closest to the flower of the rosary. माला में दो मणके ऊपर. Two beads are at the top in the rosary. एक तरफ से माला का गिनना शुरू करेंगे तो लास्ट मणका होगा. If we start counting the beads from one end, there will be a last bead. Last manka hote hue bhi wo Prabhu ki nazar mein, Supreme Soul ki nazar mein, bahut shreshth manka hai. Despite being the last bead, it is a very elevated bead in the eyes of God, in the eyes of the Supreme Soul. Zarur koi aisi shift rahi hogi, jiske aadhar par Baap ne usko apne nazdik rakha hai. It will certainly have some speciality for which the father has kept it close to him. Samipta ke aadhar par aati. What is the basis of closeness? Baap ke samip pahunchne ki visheshta kya hai? What is the speciality of reaching close to the father? Sachchai aur safai. Truthfulness and cleanliness. Jo aatma jitni sachchi hogi utna baap ke nazdeek pahunchegi. The extent to which a soul is truthful, it will reach close to the father. So Rudramala ke upar ke jo do manke hain usme ek hai maa aur dusri hai baap. So in between the two beads on the top in the Rudramala, one is the mother and the other is the father. Ye dono manke phool hai mana Supreme Soul ke bilkul nazdeek. Both these beads are very close to the flower, meaning the Supreme Soul. Jin do se brahman bachchon ko vishesh bar sakte hain. They are the two beads from whom the Brahmin children receive the special inheritance. Lekin isne ke sutra mein jab tak piroye hue nahi honge. But the children will experience the attainment only when they have been threaded in the thread of affection. Maa ko bacche se sneh hota hai. The mother has affection for the child. Bachcha bimar pad jata hai. Sakht bimar hai. Jaan ka khatra hai. If the child is ill, if he is seriously ill, if his life is in danger, to maa ko sari raat neend aati hai kya? Does the mother feel sleepy the whole night? Nahi aati hai na. She doesn't, does she? Sari raat kaise jaagti hai? How does she stay awake the whole night? Jaag leti hai na. She remains awake, doesn't she? Ek raat bhi jaagti hai, do raat bhi jaagti hai, lagataar bhi jaagti hai. She stays awake for one night, for two nights, or day and night continuously as well. So yahi pyar parivar mein wo maata pita wali jo aatmaye hain pita ki baat chhod do. So this very love for the souls of the mother and the father in the family, leave the topic of the father. Wo to sarva samarth hai. He is capable of everything. Lekin maa ke prati jo pyar hai wo practical jeevan mein anubhav hona chahiye na. But the love for the mother should be experienced in the life in practice. Shouldn't it? Amrit Vela kyon nahi hota hai? Why aren't we able to do Amrit Vela? Kyunki jo alaukik parivar mein asli pyar hai uska foundation hi nahi pada. Because the foundation of real love in the alaukik family hasn't been laid at all.
आत्मा मंथन नहीं करती। द सोल डजंट चर्न। लौकिक देह भान में देह और देह के संबंधों में बुद्धि इतनी बिजी रहती है। द इंटेलेक्ट रिमेन्स सो बिजी इन लौकिक बॉडी कॉन्शियसनेस इन द बॉडी एंड द रिलेशंस ऑफ द बॉडी के दैहिक संबंधों की तो जिम्मेवारी याद रहती है। दैट वी डू रिमेम्बर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू द बॉडीली रिलेशंस लेकिन अलौकिक और पारलौकिक संबंध की जिम्मेवारी क्या है वो भूल जाती। बट वी फॉरगेट व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द अलौकिक एंड द पारलौकिक रिलेशंस। पारलौकिक मीन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बियॉन्ड। पहली मुख्य बात है कि जो भी गीता पाठशाला है उन गीता पाठशालाओं में हर एक स्टूडेंट को अपने टाइम पर पंक्चुअल पहुंचना चाहिए। द फर्स्ट मेन थिंग इज दैट एवरी स्टूडेंट इन ऑल द गीता पाठशालाज मीनिंग गीता स्कूल शुड रीच इट पंक्चुअली ऑन टाइम और डेली क्लास करना चाहिए एंड अटेंड द क्लासेस डेली। ये छोटी मोटी बात नहीं है, टीचर का डिसरिगार्ड है। क्लास नहीं करना अथवा क्लास में देर से पहुंचना अथवा क्लास में पंक्चुअल होना। नॉट अटेंडिंग द क्लास रीचिंग द क्लास लेट और नॉट बीइंग पंक्चुअल इन द क्लास इट इजंट अ स्मॉल थिंग इन फैक्ट इट इज डिसरिगार्ड टू द टीचर। इनके अपने मोहल्ले में गीता पाठशाला है। Those who have a Gita Parshala in their neighborhood, उनको अपने गीता पाठशाला में जरूर एक घंटा देना चाहिए ईश्वरीय सेवा के लिए। Should definitely give 1 hour for the divine, meaning ईश्वरीय service in their गीता पाठशाला। यही ईश्वरीय सेवा है ऐसे समझ कर। Thinking, this itself is the divine service। संगठित होकर के जो हम वाइब्रेशन फैलाते हैं बाबा की याद में बैठते हैं वो वाइब्रेशन ही बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। The vibrations that we spread after gathering together, when we sit in Baba's remembrance, those vibrations themselves will perform a great task. Atomic energy ka kaam karenge. It will do the task of atomic energy. Wo hai atomic energy aur ye hai aatmik energy. That is atomic energy and this is the spiritual meaning aatmik energy. Lekin sangathit hokar baithenge hi nahi. But if we don't sit after gathering together at all, ज्ञान का लेन देन ही नहीं करेंगे। इफ वी डोंट एक्सचेंज द नॉलेज एट ऑल, सेवा के अनुभवों का लेन देन ही नहीं करेंगे। इफ वी डोंट एक्सचेंज द एक्सपीरियंसेस ऑफ द सर्विस डन एट ऑल, परिवार को परिवार ही नहीं समझ लेंगे तो कैसे चलेगा। इफ वी डोंट कंसिडर द फैमिली एज द फैमिली एट ऑल, हाउ विल इट वर्क। गीता पाठशालाएं खुलती जाती है, उनकी संख्या बढ़ती जाती है। गीता पाठशालाज कीप ओपनिंग, देयर नंबर कीप्स इंक्रीजिंग। और क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स नदारद होते जाते हैं। एंड द स्टूडेंट्स गोइंग टू द क्लास वैनिश ग्रेजुअली। सब समझे बैठे हैं, कह रहे गीता पाठशाला में जाके क्या करेंगे, हम चलते फिरते उठते बैठते अपने घर में रहते ही याद करते। एवरीवन थिंक्स, अरे व्हाट विल वी डू गोइंग टू द गीता पाठशाला, वी विल रिमेम्बर द फादर व्हाइल वॉकिंग मूविंग अराउंड स्टैंडिंग अप सिटिंग डाउन एंड स्टेइंग एट अवर होम इटसेल्फ। लेकिन नहीं, बट नो, संगठन का असर पड़ता है। देर इज एन इफेक्ट ऑफ द गैदरिंग। मुसलमान लोग इस बात को मानते हैं कि घर में रह करके नमाज पढ़ने का जितना सवाब होता है उससे 10 गुना मस्जिद में जाकर के पढ़ने से होता है। द मुस्लिम्स बिलीव दैट बाई रीडिंग द नमाज आफ्टर गोइंग टू अ मॉस्क वी रिसीव 10 times मोर अटेनमेंट्स देन बाई रीडिंग द नमाज वाइल स्टेइंग एट होम। नमाज प्रेयर्स प्रिस्क्राइब्ड बाई द इस्लामिक लॉ। जुमा मस्जिद में जाकर के जो नमाज पढ़ते हैं वो मस्जिद से भी ज्यादा 10 गुना होता है उसका सवाब। Those who go to the Jama Masjid and read the namaz, they receive attainments 10 times more than by reading it at a mosque. Jama Masjid, a congregational mosque in which Muslims gather to hear the Friday prayers. और जो अजमेर शरीफ में जाकर के पढ़ते हैं वो उससे भी 10 गुना। And those who go to Ajmer Sharif and read it there, it is even 10 times more than that. Ajmer Sharif, a sacred place of the Muslims in Rajasthan in India. और काबा में जाकर के अगर नमाज पढ़ते हैं तो वो 100 गुना अजमेर शरीफ से भी ज्यादा। And if they go to the Kaaba and read the namaz, it is 100 times more than that what is attained by reading the namaz at Ajmer Sharif. Kaaba, the cubical shrine at Mecca. तो multiplication होता रहता है। So it keeps multiplying. तो महीने का संगठन का जो क्लास होता है वो तो होता ही होता है। सो द क्लास ऑफ द मंथली गैदरिंग इज सर्टेनली हेल्ड।
वो तो महीने में एक बार होगा. इट विल सर्टेनली बी ऑर्गेनाइज्ड वंस अ मंथ. लेकिन मोहल्ले के अंदर ये जो गीता पाठशाला खुली हुई है उसमें 10 गुना 10 गुना 10 गुना 30 दिन बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा. बट इफ वी एड 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स, that is increase the days of gathering by 30 days in the Gita Parshalas opened in our neighborhood, then how much will it be? Aap kahenge ye to musalmanon wali baat dikha di. You will see that the method of the Muslims has been taught. Ye musalmanon wali baat nahi hai. This isn't a method of the Muslims. Ye mandir hai, masjid hai, girja ghar hai, gurudware hai, jahan bhi chale jaiye. Whether you go to a temple, a mosque, a church, a Sikh temple meaning Gurudwara or anywhere else, har jagah ye vritti dekhne ko milti. You can see this practice everywhere. Uska karan yahi hai ki ek sthan par sangathit ho karke hum jo baithte hain aapas mein len den karte hain prabhu ki yaad karte hain. The only reason is that when we gather and sit at one place, when we exchange the topics of knowledge and service with each other and remember God, usse vibration mein bada parivartan aata hai. A great transformation is brought about in the vibrations. Hamare andar swayam bhi parivartan aata hai. There is a transformation within ourselves as well. To apna parivartan karenge. So when we transform ourselves, apne parivar ka parivartan karenge tab to vishva parivartan hoga. When we transform our family, it is then that there will be world transformation. Bhool baat ko hum bhool baithe. If we forget the main topic itself, क्लास ही करना बंद कर दिया ऐसे कैसे चलेगा. एंड जस्ट स्टॉप अटेंडिंग द क्लासेस देन हाउ विल इट वर्क. ये भी इम्प्योरिटी की निशानी है. दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ इम्प्योरिटी. हम कोई बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम कोई एक दूसरे से पढ़ाई थोड़े ही पढ़ते. वी आर स्टडिंग द नॉलेज ऑफ बाबा. वी डोंट स्टडी द नॉलेज फ्रॉम ईच अदर. गीता पाठशाला में जो निमित्त बना करके बैठाए गए हैं, दोज हु हैव बीन मेड टू सिट इन द गीता पाठशालास एज द इंस्ट्रूमेंट्स, वो तो निमित्त मात्र आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स. ये कोई जरूरी नहीं है कि जो निमित्त मात्र बना करके बैठाए गए हैं वही उच्च पद पावेंगे. इट इज नॉट नेसेसरी दैट दोज हु हैव बीन मेड टू सिट एज इंस्ट्रूमेंट्स दे देमसेल्व्स विल अटेन अ हाई पोजिशन. अगर क्लास में आने वाले सभी स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है, इफ ऑल द स्टूडेंट्स गोइंग देयर फॉर क्लास आरंट सेटिस्फाइड, और क्लास में आने वाले स्टूडेंट्स में से कोई ऐसे हैं जो सबको संतुष्ट करते हैं. And if there are some among the students going to class who satisfy everyone, khud bhi santusht, if they themselves are satisfied, sarva atmaye bhi unse santusht, if all the souls are satisfied with them, mat pita bhi unse santusht, as well as the mother and the father are satisfied with them, to wo unche pad pa jayenge. They, meaning the students who satisfy everyone, will attain a high position. Teacher ki jagah reh jayenge. A teacher will just remain in the position of a teacher. Baba to kehte hain Brahma kumari koi praja kumari banegi, koi raja kumari banegi. Baba does say some Brahma kumari will become a subject meaning praja kumari, and some Brahma kumari will become a king meaning raja kumari. Koi zaruri thoda hai. It isn't necessary that the instruments will attain a high position. Nimitta simple nimitta matra bana karke baithaya gaya. The instruments have been made to sit just as the instruments. और अभी तो बेसिक नॉलेज के मुकाबले एडवांस में तो बहुत ज्यादा अंतर है. एंड नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द एडवांस नॉलेज व्हेन कंपेयर्ड टू द बेसिक नॉलेज. वहाँ तो गीता पाठशाला खुलने नहीं देते, हमारी आमदनी कम हो जाएगी. देयर दैट इज इन द बेसिक नॉलेज दे डोंट लेट एनीवन ओपन अ गीता पाठशाला थिंकिंग देयर इनकम विल बी रिड्यूस्ड. यहाँ तो जो भी युगल है उन सभी युगलों को परमिशन दी जाती है, अच्छा तुम अपने घर में अपनी गली में गीता पाठशाला खोल करके बैठो. Here, all the couples are permitted by saying, "Acha, open a Gita Parshala at your home, in your street, and sit there." जो ज्यादा होशियार युगल होगा, मेहनती होगा. The couple which is more intelligent, hard working, दूसरों को मान रिगार्ड देकर के चलाने वाला होगा, gives regard to others and makes them follow the knowledge. ये गीता पाठशाला अच्छी चलेगी. Their Gita Parshala will run well. ठीक से चलाने वाला नहीं होगा तो उसके पास कोई नहीं जाएगा. If they, meaning the couple, don't run the Gita Parshala properly, no one will go to them. Purity ki power hi kheench leti. It is the power of purity that attracts. To abhi ghaflat karne ka time nahi hai. Now,
it isn't the time to be careless. Abhi ka time bahut valuable. The present time is very valuable. Baap is samay baap ke roop mein bhi dekh raha hai bachon ko. At this time, the father is also observing the children as a father. Ki kitne bachche aagyakari hain. He sees how many children are obedient. Teacher ke roop mein bhi dekh raha hai kitne bachche imandari se class karte hain. He is observing them as a teacher as well. He sees how many children attend the classes honestly. Punctual rehte hain padhai mein. Regular rehte and remain punctual and regular in the studies. Kitna aapas mein ek dusre se dil dilavari karte hain. He sees to what extent they give their heart to each other. Aur kitna baap ko dil dete. And to what extent they give their heart to the father. Baap ka kitna dil lete hain aur baap ko kitna dil dete hain. To what extent they win the heart of the father and to what extent they give their heart to the father. Vafadari, main apne andar dekhna hai hum baap ke prati kitne vafadar. You should check within yourselves how much you are faithful towards the father. Wo baat baap ko hi batani hai aur kisi ko nahi batani chahiye. Wo baat baap tak hi sheer rakhte hain. You should check, do you keep the topic that shouldn't be told to anyone else except the father limited to the father alone? Wo aap apne ek dusre ko batate rehte hain ek dusre ka pyar lene ke liye. Are hum tumko hi bata rahe hain, tum aur kisi ko nahi batana. Or do you keep telling it to each other? Are I am just telling this to you. Don't tell it to anyone else. To obtain love from each other. So, this is disloyalty. Acha? Om. Acha? Om Shanti.